हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम प्ले राइट के अंदर जो ब्राउज़र हैं, डिफरेंट तरह के ब्राउज़र्स, ब्राउज़र इंजन एंड ब्राउज़र्स, और जो ब्राउज़र के डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके साथ जो है वो ऑटोमेशन को डील करना सीखेंगे। सो यहाँ पे एक मैटर मैंने ऑलरेडी जो है वो क्रिएट किया हुआ ही है, जो कि एड्रेस कैसे मिला, और इसके अंदर जो ब्राउज़र के अंदर हम ब्राउज़र टाइप लॉन्च ऑप्शंस भेजते हैं, डिफ़ॉल्ट में हेडलेस है। लाइक अगर मैं इसको ट्रू कर दूं और एग्जीक्यूशन करूं, तो अब ये हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट होगा। इसे मैं अगर रन करता हूं, और ये कोड हमारा वही जो प्रीवियस जो हमारे मेथड था लॉग इन विद असर्शन का, ये उसी को कंटिन्यू ही ये कोड है। सो ये एग्जीक्यूशन हमारी हो रही है और कोई ब्राउज़र जो है वो ओपन नहीं हुआ है। ये सारी एग्जीक्यूशन जो है वो हेडलेस में हो रही है और रन इन बैकग्राउंड मोड में हो रही है, क्योंकि हेडलेस जो है वो हमने ट्रू किया हुआ है। तो टेस्ट केस पास हो गया है, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है सिलोमो। सिलोमो जो है वो एग्जीक्यूशन की स्पीड जो है वो उसको कंट्रोल करता है, कि लाइक कभी ऑटोमेशन करते हुए हमें नीड होती है कि ऑटोमेशन थोड़ा स्लो एग्जीक्यूट हो, क्योंकि प्लेराइट इस वक्त सबसे फास्टेस्ट ऑटोमेशन टूल है, तो स्पीड का कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। एक्चुअल जब एग्जीक्यूशन करनी होती है तो वहाँ तो नीड नहीं है, वहाँ तो जितना फास्ट चले उतना बेहतर है, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग ऑटोमेशन डेवलपमेंट आपको नीड पड़ती है, तो जैसे डिफ़ॉल्ट 50 है, अगर मैं इसको 500 करता हूँ तो हमें थोड़ी सी स्पीड जो है वो स्लो नज़र आएगी, मामूली सी, जिसमें हमें नज़र आ रहा होगा प्रॉपर के यूज़र नेम जो है वो फिल हुआ है और पासवर्ड फिल हुआ है और बटन पर क्लिक हुआ है। ये फ़ौरन तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगे। इसी तरीके से मैं स्लोमो की स्पीड और बढ़ाता हूँ तो ये और मज़ीद स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से ये अभी डिफ़ॉल्ट क्रोमियम पे एग्जीक्यूशन हो रही है इसकी। अब मैं ये चाहूँ कि मैं चैनल बताऊँ इसका, के चैनल इज इक्वल टू, और मैं यहाँ दूँ लेट सपोज क्रोम, और फिर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, तो अब ये जो एग्जीक्यूशन होगी वो क्रोम पे एग्जीक्यूट होगा। डिफ़ॉल्ट में वो क्रोमियम पे था, तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये अब क्रोम में ये स्टार्ट हो गया इसकी एग्जीक्यूशन। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे एग्जीक्यूशन जो है वो एज में करनी है, तो मैं यहाँ MS एज लिख दूंगा, क्योंकि ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि प्ले राइट जो है वो डिफरेंट ब्राउज़र जो इंजन है उनके लिहाज से डील कर रहा होता है। तो इंजन जो है वो क्रोमियम है और जो MS Edge जो है वो चैनल है। तो अब अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब ये जो एग्जीक्यूशन होगी उसमें जो ब्राउज़र ओपन होगा वो MS Edge होगा। तो अब ये देखें तो ये एज में ये एग्जीक्यूशन हमारी परफॉर्म हो रही है, और अगेन हमने स्लोमो जो है वो 500 किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं ये स्लो ही नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्रोमियम भी दे सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट में क्रोमियम ही होता है, तो मैं चैनल हटा भी दूँ तो भी ये क्रोमियम में ही एग्जीक्यूट होगा डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि मैंने जो ब्राउज़र इंजन सेलेक्ट किया हुआ है वो क्रोमियम किया हुआ है। तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया ये क्रोमियम पे। ठीक है, मैं ये चैनल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि अब मुझे एग्जीक्यूशन फायरफॉक्स में करनी है, तो मुझे जस्ट यहाँ पे प्ले राइट डॉट फायरफॉक्स सेलेक्ट करना है, बाकी मेरा सारा कोड जो है इट विल रिमेन द सेम। सो अब मैं अगर इस एग्जीक्यूट करूँ तो ये एग्जीक्यूशन मेरी जो है वो फायरफॉक्स पे होगी। सो लेट्स सी, तो मैं इसे देखें तो ये फायरफॉक्स पे ये एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं इसे वेबकिट पे अगर मुझे रन करना है, तो मैं डॉट वेबकिट यहाँ दे दूंगा और इसे रन कर देता हूँ। सो यहाँ से हमें ये बात समझ में आई है कि ये जो ऑप्शन है ब्राउज़र्स के,
ये सारे जो है हम इस लेवल पर डील कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारी एग्जीक्यूशन हमारी हो गई। ये जो कोड था हमारा, ये बिल्कुल सेम था जो हमने लास्ट वीडियोस में जो है वो देखा है। जस्ट हमारा आज का टॉपिक जो है वो यही था कि जो ब्राउज़र के जो ऑप्शन है और जो डिफरेंट तरह के ब्राउज़र्स हैं उनको हम किस तरीके से डील करेंगे। सो सिमिलरली इसी तरीके से ये टाइम आउट है हमारा, कि अगर हमारा टेस्ट लेट सपोज पेज लोड होने में टाइम ले रहा है और टाइम आउट से ऊपर निकल गई ये बात, तो टेस्ट केस मेरा फेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से टाइम आउट सेट कर सकता हूँ और ये टाइम आउट में आगे ओवरराइड भी कर सकता हूँ। यहाँ तक जो है वो इतना ही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर टाइम।